दोस्तों, आज की हमारी ये वीडियो बॉलीवुड की वन ऑफ द बिगेस्ट एक्शन थ्रिलर फिल्म तेरी देव पे बेस्ड होने वाली है। तेरी देव साल 1989 में रिलीज हुई एक सुपरहिट फिल्म थी जिसे राजीव राय ने डायरेक्ट किया था। अब बात करें इस फिल्म से जुड़े कुछ अननोन एंड इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में, तो वैसे तेरी देव फिल्म की लीडिंग कास्ट में हमें सनी देओल, नसीरुद्दीन शाह और जैकी श्रॉफ नज़र आए थे, लेकिन अगर ओरिजिनल या फिर फर्स्ट चॉइस कास्ट की बात की जाए तो मेकर्स ने इस फिल्म के लिए मिथुन चक्रवर्ती, संजय दत्त और सनी देओल को सेलेक्ट किया था, जिसमें मिथुन चक्रवर्ती को जय सिंह यानी नसीरुद्दीन शाह का रोल ऑफर हुआ था, मगर शेड्यूलिंग कॉन्फ्लिक्ट्स के चलते मिथुन चक्रवर्ती ने ये ऑफर डिक्लाइन कर दी थी। और वहीं संजय दत्त को रवि माथुर यानी जैकी श्रॉफ के रोल के लिए सेलेक्ट किया गया था, मगर उन्होंने भी इस रोल को कंपैरेटिवली माइनर समझ के रिजेक्ट कर दिया था। हालांकि मेरे ओपिनियन के मुताबिक रवि माथुर की प्रेजेंटेशन बिना किसी शक के एक्स्ट्राऑर्डिनरी निकल के सामने आई थी। और देखा जाए तो वैसे तो प्रेजेंट कास्ट ने भी अपना काम बाखूबी निभाया था, मगर फर्स्ट चॉइस का कॉम्बिनेशन काफ़ी फ्रेश टच दे सकता था, जहां मिथुन चक्रवर्ती और सनी देओल हम फैंस को अब तक एक साथ देखने को नहीं मिले। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो सुपरहिट मूवी तेरी देव से जुड़ी फैसिनेटिंग ओरिजिनल स्टार कास्ट के बारे में। बाकी आप सबकी क्या राय है इस कंपैरिजन में, हमें अपनी राय नीचे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलिएगा।